अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हमने सबसे पहला काम करना है कि हमने विजी को नहलाना है। तो अभी हम चलते हैं और जाके ना सबसे पहले विजी को नहलाते हैं और फिर बाकी सारे परिंदों को देखते हैं। मैंने को ऊपर जाने से पहले आपको फिश भी दिखा दें। ये देखें, ये हमारी फिश बिल्कुल एक्टिव। स्टोन देखें अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके विजी को नहलाते हैं। वो बहुत गंदी हुई, इतने देर हो गई, इसको नहलाया नहीं है। दरवाजे में है वो अभी लकड़ा हम है। बाहर कोई आया, मैं देखता हूँ और फिर ऊपर चलते हैं। ये देखें, विजी मेरी बाइक पे बैठ के इसको चेक कर रही है कि कोई मसला तो नहीं है। हाँ जी, सही है सब कुछ। हाँ जी, कह रही ठीक है, वो चलेगी, सब कुछ ठीक है। किधर गई, किधर गई ये विजी को तो आज हमने ना लाना है। देखना विजी की शामत आने लगी है, वो पीछे चलेगी। अभी मैं इसको पकड़ता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ। चलो पकड़ लो, चला वो भाग गई। इससे बहुत डरती है, इसको तंग बहुत करता है ना। वंस अगेन हमारा एक और नया मुर्गा काम करते हुए। ये इसके अंदर जो आपको बताया था ना, पत्थर है अंदर, तो मेरे से तो जाया नहीं जाता। वो साइड जो थोड़ी बहुत मैं हो गई थी, कर दी थी। तो ये जो आगे वाले ना, इधर ये छोटी जगह, इसमें फिर जाया नहीं जाता। तो मैंने इसको कहा थोड़ा सा काम कर दे। अब ये करके तो ये विजी छोड़ो ना, ये विजी, ये भी हमारे साथ आई है। फिर इसकी बारी आएगी। वो हमारा टाइगर फिर है। ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया। अब आज मैं इसके साथ वो पिक भी लगा दूंगा वीडियो के साथ कॉर्नर पे, जब मैं इसको लेके आया था तब की, और अब देखें कितना बड़ा हो गया। साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। वो आगे चला गया और बाकी हमारी डक्स और मुर्गियाँ देखते हैं, ये बैठी हुई हैं। हमारी डक्स भी, मुर्गियाँ भी, और जो रैबिट्स हैं वो अपने उस घर में गए हैं। इस टाइम ये सारे अंदर छुप के बैठे होते हैं, तो सुबह सुबह और निकलते हैं बाहर, नीचे भी चले जाते हैं कई दफ़ा। फिर हम इनको ऊपर छोड़ के जाते हैं। तो चले हम फिजान को देखते हैं। ये देखो जी, आराम से, आराम से भाई, आराम से। आ जाएगा कीड़ा, बस ये जो बड़े बड़े हैं इनको छोटा कर दे। छोटा जी, वो नीचे तो हमने तकरीबन कर दिया है, और अब ये थोड़ा सा बुरादा था, ये हमने कहा इसको नीचे बिछा देते हैं, क्योंकि रात को सर्दी होती है ना, और ये जो है गर्म हो जाता है। लाओ भी इसको भी खा दो ना, वो पीछे कर दो, पीछे पीछे इस कॉर्नर में बैठता ना वो। हाँ पीछे कर दो, बाकी वो खुद सेट कर देगा। चलो मिट्टी बहुत उड़ रही है। चलो ठीक है, आ जाओ भाई। विजी का नहलाने का टाइम आ गया, लेकिन वो मिल नहीं रही, पसंद किधर चले गई है, भाग गई, इन्होंने तंग बहुत किया। ऊपर भी नहीं है ये हमारा टाइगर, भाग के पास आए थे। नीचे गई होगी, नीचे देख के आते हैं, नीचे गई होगी। अभी हम नीचे गैराज में देख के आते, पहले नीचे देख रहे थे ना, नीचे चले गए। बाहर बाहर कैसे जा सकती, बाहर तो नहीं गई, इधर कहीं छुपी होगी। उसको मैं पहले ढूंढता हूँ, उसका पानी है, उसको पहले ढूंढ के। अब मैं आपको दिखाता हूँ किधर है, ऐसे छुप के बैठी हुई है, मुझे नीचे से नजर आई। मैं आपको भी दिखाता हूँ, अब ये देखो, इधर देखे, ये देखे, हम ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए हैं। और ये किधर छुपी हुई है, विजी का शैम्पू। अब उसे एक दफा नहला लूं, नहला के तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
नहीं इसको छोड़ दो। ले जी बीजी ने नहा लिया, देखिए कितनी साफ़ सुथरी हो गई है। मैंने इसको धूप में बिठा दिया थोड़ी देर, क्योंकि सर्दी है ये, अभी अच्छे तरीके से जब सूख जाएगी फिर मैं उसको अंदर ले जाऊँगा। और आपको एक सैड न्यूज़ दूँ कि हमारी जो ये दो ब्लैक फिंचीज हैं, इनकी दोनों ही फीमेल वो एक्सपायर हो गई हैं। उनको पता नहीं क्या हुआ उनको, मेरी तो तबीयत नहीं थी ठीक, तो मैं 3-4 दिन से ना व्लॉग बना रहा था और फरानी इनकी केयर कर रहा था। तो आपको मैं बस वीडियो लगा दूंगा इसके बाद, तो आप देख लेना, मैंने क्लिप बनाई थी छोटी सी। तो वो दोनों पता नहीं क्या, सुबह टाइम जब आके पर्दे उठाए तो वो दो एक्सपायर हुई थी। उनका भी बहुत अफसोस हुआ, अभी दोनों मेल रह गए। ये देखें इनको पता नहीं क्या होगा, दोनों फीमेल जो हमारी ब्लैक फिंचेस थी उनकी दोनों फीमेल मर गई हैं। अब दोनों सिर्फ मेल ही रह गए। मेरी 2 दिन से तबीयत ख़राब थी तो मैंने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया, मुझे लगता है इनको सर्दी लग गई है। फरहान को भी इन चीज़ों का इतना पता नहीं है, तो रात को उसने कहीं लेट इनके ऊपर पर्दे वगैरह डाले तो उनको हवा लग गई और ये दोनों मर गई हैं। दूसरी भी मुझे ढीली ढीली लग रही हैं। अभी इनको किसी जगह पे इसको दफन कर देता हूँ मैं, और ये हमारी दोनों ही एक्सपायर हो गई। अच्छी बली थी बिल्कुल। और इनको ये देखने लग रहा है जैसे मोशन भी लग गए थे, सारी ये देखें गीली हुई हैं दोनों ही। अब दूसरी स्पैनों को भी मैं गर्म पानी देता हूँ, साथ कुछ चीज़ बना के देता हूँ उनको, अंडा वगैरह। और ये टाइगर हमारी देखे पीछे आ गए नीचे, इसका मुंह देखते रेड हो गया। और ये हमारा रिंगनेक का पेयर, और ये भी मेरे ख्याल में पेयर है, ये भी अब मुझे लगता है पेयर है, एक मेल है एक फीमेल है, ये भी पेयर बन गया। और इनके भी ये दो एग्स हैं बैठी हुई है ऊपर। और आपको एक और गुड न्यूज़ देता हूँ, नीचे छोटा सा ना पकड़ा करो, हमारे जो बजीज के बच्चे थे वो दोनों खाता हूँ। ये हमारे बजीज के बच्चे जो हैं ये दोनों देखें बड़े हो गए, एक ये बैठा हुआ है एक वो नीचे है। ये रेड आइज़ है, ये देखें वाइट कलर का और रेड आइज़ है, जबकि मेल और फीमेल दोनों ब्लैक आइज़ है। और एक और बच्चा है वो ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ दिखाता हूँ। ये देखें दो मेल जैसे हैं और एक जो है वो वाइट, कोई भी नहीं है इसमें वाइट तो कोई भी नहीं है। ये एक है लेकिन इसका कोई पेयर नहीं बना हुआ, ये क्रीम कलर है और वो प्योर वाइट है, रेड आइज बैठा हुआ नीचे। और ये हमारे बटेर फीमेल लगता है मुझे फिर से ले कर दी है, वो बैठी हुई है ऊपर, ये लग रहा है जैसे इसने एग ले कर दिए। ले जी मैं अपने सारे काम करके आ गया हूँ। आज हमने वो मुर्गे का जो केज है उसको भी सेट कर दिया, विजी को भी नहला दिया। तो आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।